आज हम त्रिकोणमिति अध्याय के त्रिकोणमिति अनुपात के पूरक कोण से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न देखेंगे, साथ ही कोण मापन की पद्धतियों पर भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि कॉस 70 अंश बटे साइन 20 अंश प्लस कॉस 55 डिग्री इंटू कोसेक 35 डिग्री अपॉन टेन 5 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री इज इक्वल टू 2। ये हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए इस सर्वसमीखा का बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू कॉस 70 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री इंटू कोसेक 35 डिग्री अपान टेन 5 डिग्री टेन 25 डिग्री टेन 45 डिग्री टू टेन 65 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री। देखिए पहचानते हैं साइन और कॉस के रूप में है, कॉस और कोसेक के रूप में है, और टेन की भी जो कोण है आपस में जो कोण है वो पूरक कोण के अनुपात में दिए हुए हैं। तो चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं कॉस 90 माइनस 20 90 माइनस 20 अपान साइन 20। फिर यहाँ देखिए किसी एक को परिवर्तन कीजिए, कॉस 90 माइनस 35 कर दीजिए, कोसेक को एज इट इज रहन दीजिए 35 डिग्री, बटे में यहाँ पर आपको थोड़ा पहचान करनी है। देखिए 5 और 85 90 हुए, 25 और 65 90 हुए, तो पूरक कोण के रूप में दिए हुए। तो आप एक काम कीजिए, इसको अपनी इसकी पूरक कोण के रूप में लिख लीजिए और 25 को भी इसके पूरक कोण के रूप में लिख दीजिए, बाकी को सेम रहने दीजिए। तो टेन 90 माइनस 85 90 माइनस 85 और दूसरा टेन 90 माइनस 65, इन दोनों के पूरक कोण के रूप में लिख लिए। 5 डिग्री को 90 माइनस 85, 25 को 90 माइनस 65 पूरक कोण के रूप लिख सकते हैं, इंटू टेन 45 इंटू टेन 65 इंटू टेन 85 डिग्री। फिर आगे देखिए साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 20 अपान साइन 20, यहाँ पर देखेंगे ये साइन 35 डिग्री और कोसेक को हम लिखेंगे 1 अपान साइन 35 डिग्री। एक साथ इसको परिवर्तन करके आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे हम यहाँ पर ये लिखेंगे टेन का कॉट कॉट 85 डिग्री कॉट 85 डिग्री, इसी प्रकार से इसको लिखेंगे कॉट 65 डिग्री, टेन 45 का मान 1 होता है और यहाँ पर टेन 65 डिग्री को आप 1 अपॉन कॉट 65 लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट 65 डिग्री, और इसको भी पुनः 1 अपॉन कॉट 85 डिग्री।
तो देख रहे हैं ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये cot 85, cot 85 से कैंसिल, cot 65, cot 65 से कैंसिल, ये पुनः कैंसिल हो जाते हैं। इस प्रकार से पहले स्टेप से 1, दूसरे स्टेप से 1, ये 2 सिद्ध हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से इस सर्व समीकरण को हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न और देखिए, दूसरा प्रश्न, त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग किए बिना ही, जहां पर भी इस प्रकार से प्रश्न आया रहेगा तो समझ जाना ये त्रिकोणमिति कोण के पूरक अनुपात के रूप में लिखेंगे। सिद्ध कीजिए कि tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3। इसको हल करने के लिए इसका बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष इज इक्वल टू tan 7 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। देखिए पूरा कोण के रूप में पहचान करेंगे, साथ साथ दोनों पूरा कोण को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए ये 7 और 83 90 हुआ और 23 और 67 एड करेंगे तो 90 हुआ। आप चाहो तो रिजल्ट को और अच्छे से समझने के लिए साथ साथ ऐसा ब्रैकेट में लिख दो 7 डिग्री और tan 83 डिग्री, और ज़्यादा स्पष्ट होगा। इसी प्रकार से छोटे छोटे कोष्टक में डाल दीजिए tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, और ये जो बचा है सिंगल 60 डिग्री इसको रहने दीजिए। अब आगे देखिए किसी एक को चेंज करना है तो ये मिलेगा tan 90 माइनस 83 डिग्री, इसको बड़ा कोष्टक रूप में डाल दीजिए, छोटा कोष्टक अंदर आ गया, tan 90 माइनस 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री, बड़ा कोष्टक ऑफ कर दीजिए। इसी प्रकार से दूसरे बड़ा कोष्टक में इसको tan 90 माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, बड़ा कोष्टक आप कर दीजिए, और tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान त्रिकोणमिति सारणी से √3 होता है, उस मान को रखती है। ये देखिए ये मिलता है cot 83 डिग्री, और इस tan को क्या लिख सकते हैं 1/cot 83 डिग्री। साथ साथ चलें इसी प्रकार से यहाँ पर cot 67 डिग्री, tan 67 को 1/cot 67 डिग्री और इंटू √3। तो हम देखते हैं सेम रिजल्ट कैंसिल हो गया और आपको मिलता है 1 × 1 × √3 और प्राप्त मिलता है √3, यही आपका दायां पक्ष है। तो हमने बहुत सारे अभ्यास में त्रिकोणमिति अनुपात के पूरक कोण से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास किया। त्रिकोणमिति के अगले विषय वस्तु में हम लिखते हैं, ले जाते हैं आपको कि हम किसी जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं इस पर चर्चा करेंगे।
समझते हैं इसको इस तरीके से, जीवा की लंबाई। वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र, मान लो सेंटर इसका ओ है। अब यहां से वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम जीवा कहते हैं। ये ए भी एक जीवा है, ए बी वृत्त का कैसा एक जीवा है। इसको अच्छे से समझिए, फिर प्रश्न बहुत आसान होंगे। और इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आर है, दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, यहां से केंद्र से परिधि, इसका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है आर। मान लेते हैं इस कोण, इसमें जो बन रहा है कोण ए ओ बी बराबर थीटा है, और आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब जीवा को दो भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये आपका एम हुआ, तो यहां पर ये वाला कोण आधा हो जाएगा और ये वाला कोण भी आधा, थीटा बाई टू होंगे। इसी प्रकार से कोण ए ओ एम बराबर थीटा बाई टू, इसी प्रकार से कोण बी ओ एम बराबर भी थीटा बाई टू, आधा हो जाएगा। ये लंब है और हम जानते हैं कि जो लंब होता है जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात क्या हो जाएंगे, ए एम बराबर ए बी का आधा हो जाएगा, ए बी बाई टू। इस प्रकार से एक प्रमेय हुआ। अब देखते हैं ये समकोण त्रिभुज में कौन सा समकोण त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, ए एम ओ में साइन थीटा। यहां पर देखिए ये कोण कितना हुआ, ये वाला कोण थीटा बाई टू, न्यून कोण देखिए आधा हुआ इसका, तो साइन कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा हुआ, न्यून कोण के सम्मुख कोण लंब कहलाता है ए एम, और कर्ण हुआ ओ ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए एम इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा बाई टू। अब देखते हैं ये ओ ए कितना है, वृत्त की त्रिज्या, और ए एम कितना है, ए बी बाई टू। ए एम को यहां से ए बी बाई टू, और ओ ए है आपका वृत्त की त्रिज्या आर साइन थीटा। तो ये आपको मिलेंगे ए बी बराबर टू आर साइन थीटा बाई टू। ये थीटा क्या है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। थीटा क्या चीज है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। तो ये ए बी ही जीवा हुआ, जीवा की लंबाई कितना हुआ, टू आर साइन थीटा बाई टू। इन सूत्रों की सहायता से हम आसानी से किसी भी वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर आर वृत्त की त्रिज्या है। तो चलिए एक प्रश्न पर हम चर्चा करें इसी से संबंधित। इसी से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करें, एक 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 वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक एक वृत्त आया है, इकाई वृत्त, तो इकाई वृत्त किसे कहते हैं, ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या एक हो, इकाई हो, एक एक वृत्त कहलाता है। प्रश्न, एक 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 वृत्त एक 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 वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक एक वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो केंद्र के साथ, जो केंद्र पर, जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है,
देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक एक वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से कितना अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए ऐसा चित्र बनाया, फिगर बनाया, इसके माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। ये केंद्र है उसका, ये मान लो इसके जीवा है, ये भी एक जीवा है। कितना का कोण बना रहा है ये केंद्र के साथ, 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो ये जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो जीवा की लंबाई और यहां पर एक एक वृत्त है तो ये r बराबर इसकी त्रिज्या 1 होता है, ध्यान रखेंगे। त्रिज्या कितना हुआ, 1 हुआ, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितना है, 1 है, इसलिए 1 हुआ, 1 इकाई हुआ। और केंद्र पर अंतरित कोण जिसको हम थीटा कहते हैं, ये थीटा है आपका 60। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, सूत्र डायरेक्ट मान रखेंगे जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2r sin थीटा बाय 2। 2 r का मान 1 है, sin थीटा का मान 60/2 अर्थात 2 sin 30, और sin 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का कितना मान होता है, 1/2, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इकाई। देखिए कितना आसानी से हम इस एक एक वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सूत्र में को याद रखना है, त्रिज्या को मान रख लेना है और उस पे केंद्र पर अंतरित कोण को मान रख देना है, उसका आधा करके साइन फलन निकाल के उस वैल्यू को रख के हल कर लेना है। इस प्रकार से हम जीवा की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। इसके पास हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है कोणों का मापन की पद्धति, कोणों की मापा की पद्धति। तो ये कोण क्या होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा बिंदु है कोण की मापन की पद्धति। मापन की पद्धति, सबसे पहले देखते हैं कोण किसे कहते हैं। तो किसी समतल में किसी परिक्रामी रेखा के उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के घूर्णन को ही हम कोण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो रेखा खंडों के बीच के घुमाव को, दो रेखा खंडों के बीच के घुमाव के हम कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए हाथ, एक रेखाखंड ये हुआ, दूसरे रेखाखंड ये हुआ, इनके बीच में कितना घुमाव है, यही क्या कहलाएगा, कोण कहलाएंगे। अब इस कोण में देखिए, समतल पर दो लंबवत अक्ष की कल्पना करते हैं, मूल बिंदु वो है, ये एक्स अक्ष है धनात्मक, और ये एक्स अक्ष ऋणात्मक अक्ष, और ये वाई धनात्मक, और ये वाई डैश ऋणात्मक अक्ष, कल्पना करते हैं। इसके पश्चात देखिए, ये परिक्रामी रेखा, परिक्रामी रेखा मतलब मान लीजिए ये OA रेखा यहां पर है, ये घूम के कुछ समय पश्चात यहां आ जाता है, OA स्थिति ग्रहण कर लेता है। तो एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बनाता है परिक्रामी रेखा का, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के घूर्णन को ही हम कोण कहते हैं। ये दो तरीके से घूम सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है और दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है। ये देखिए तीर के निशान पर ध्यान रखिए, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो ये धनात्मक कोण बनाएगा, और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो ऋणात्मक कोण। तो ये ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये धनात्मक कोण का निर्माण करेगा,
और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा परिक्रामी रेखा, तो ये ऋणात्मक कोण का निर्माण करेगा। तो ये बात यहां पर स्पष्ट हो गई, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण, चाहे धनात्मक कोण हो चाहे ऋणात्मक कोण हो, इस कोणों को मापने की अपनी एक पद्धति होता है। तो कोणों को मापने की तीन पद्धति है, कोण मापन की तीन पद्धति है। कोण मापन की तीन पद्धति है, पहला पद्धति होता है वो सष्टिक पद्धति। दूसरा पद्धति है शक्तिक पद्धति। और तीसरा पद्धति है वो वृत्तीय पद्धति। देखिए, चाहे वो धनात्मक कोण हो चाहे ऋणात्मक कोई भी कोण हो, इसको मापने की तीन पद्धति है आप हमारे पास। पहला है सष्टिक पद्धति, दूसरा है शक्तिक पद्धति और तीसरा है वृत्तीय पद्धति। कोण मापन की तीन पद्धतियां, सष्टिक पद्धति, शक्तिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। पहला नंबर का देखेंगे हम सष्टिक पद्धति। सष्टिक पद्धति में क्या होता है कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और एक भाग जो प्राप्त होता है उसको एक अंश या एक डिग्री कहते हैं। उसके पश्चात एक अंश को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, वो एक मिनट कहलाता है, और एक मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है तो एक सेकंड कहलाता है। इस प्रकार से एक समकोण को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 90 अंश में बांटा गया है, 90 अंश। एक समकोण बराबर कितना अंश हो गया, 90 अंश या 90 डिग्री। फिर एक अंश को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो ये कितना हो गया, 60 मिनट। ये ऊपर ऐसे इस प्रकार से रहेगा, वो मिनट का संकेत है। पुनः एक मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है तो एक सेकंड कहलाते हैं, तो एक मिनट बराबर 60 सेकंड। ये 60-60 पर चल रहा है, इसलिए सष्टिक पद्धति कहते हैं। दूसरा पद्धति है आपका शक्तिक पद्धति। शक्तिक पद्धति है, शक्तिक पद्धति में 100-100 के हिसाब से चलते हैं। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहलाता है, अर्थात एक समकोण बराबर 100 ग्रेड हुआ। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, क्यों, क्योंकि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, एक भाग को एक ग्रेड, एक अंश को एक ग्रेड कहते हैं। पुनः एक ग्रेड को पुनः 100 भागों में बांटा जाता है, एक ग्रेड को, इसको ग्रेड को जी से दर्शाती है, पुनः 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को एक मिनट कहते हैं, तो एक ग्रेड बराबर 100 मिनट हुआ। तत्पश्चात एक मिनट को पुनः 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को एक सेकंड कहा जाता है, अर्थात एक मिनट बराबर 100 सेकंड हुआ। ये 100-100 पर चल रहा है, इसलिए इसके सष्टिक पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में कोण के मापन का मात्रक है वो रेडियन है, विशेष ध्यान देंगे। यहां पर इसकी मात्रक है अंश, मूल मात्रक अंश, यहां पर ग्रेड। देखिए, सष्टिक पद्धति में मात्रक अंश, इसमें मात्रक ग्रेड जी से लिखते हैं, और इसमें मात्रक होता है रेडियन। तो एक रेडियन कितना होता है इसको हम समझते हैं। कार्तीय समतल में एक मूल बिंदु लेते हैं, ये कार्तीय समतल हुआ, ध्रुवीय निर्देशांक, मूल बिंदु O है, ये एक्स अक्ष है, ये माइनस एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है धनात्मक, ये ऋणात्मक वाई अक्ष है।
अब हम एक काम करते हैं कि इसी मूल बिंदु को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। इस प्रकार से आर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। ध्यान दीजिए, मूल बिंदु को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं और इस वृत्त की परिधि पर, इस वृत्त की परिधि पर, सर्कमफेरेंस पर, इस वृत्त की परिधि पर हम जितना त्रिज्या का, त्रिज्या के बराबर का चाप खींचते हैं, जैसे आर त्रिज्या है तो यहां पर उसी के बराबर का चाप खींचते हैं। ये चाप हुआ, ए बी कितना हुआ, चाप हुआ। जितनी की त्रिज्या है उतना का ही हम चाप खींचते हैं। तो ये जो कोण बन रहा है, यही कोण का मान एक रेडियन होता है। यहां पर ये थीटा कोण बन रहा है ना, इसका मान क्या होता है, एक रेडियन। तो आपको बात समझ में आ गया होगा, वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर, वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण के परिमाण को ही हम एक रेडियन कहते हैं। कुल मिला के अपने शब्दों में कहें, जितना त्रिज्या होता है उसी त्रिज्या के बराबर वृत्त की परिधि पर एक चाप लेते हैं, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को ही हम एक रेडियन कहते हैं। यदि चाप की लंबाई AB बराबर S है और त्रिज्या R है और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, S अपान R रेडियन होता है, S अपान R रेडियन कहलाता है। तो केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण रेडियन में, वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। लेकिन याद रखेंगे ये रेडियन में होगा। अब इसके आगे और विचार करते हैं, इसका मान कितना होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि की लंबाई कितना होता है, 2πr। r अगर त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि की लंबाई कितना होता है, 2πr। और वृत्त की परिधि को वृत्त के त्रिज्या के बराबर भागों में बांटा जाए, ध्यान देंगे, वृत्त के परिधि को वृत्त की त्रिज्या के बराबर भागों में बांटा जाए तो कुल भाग की संख्या, कुल कितने भाग होंगे, जो परिधि है वो त्रिज्या से विभाजित हुआ तो कुल कितने भाग हुए, तो परिधि का मान 2πr और वृत्त का त्रिज्या r, तो ये आपको 2π भाग में बढ़ गया, r r कैंसिल होंगे, तो ये इसका परिधि कितने भागों में बढ़ गया, 2π भागों में बढ़ गया। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यही 2π जो है, क्योंकि ये देखिए ये चाप बटे त्रिज्या, यही केंद्र पर क्या होगा, अंतरित कोण, चाप बटे त्रिज्या, तो अंतरित कोण कितना हुआ, 2π। एक चक्कर लगाए, कहने का मतलब यह हुआ कि कोई परिक्रामी रेखा एक चक्कर लगाता है पूरा और अपने प्रारंभिक स्थिति में पुनः आ जाता है, तो वो 2π रेडियन कोण का निर्माण करता है। अतः वृत्त की परिधि द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का मान 2π रेडियन होता है। और आप जानते हैं, अंश में चर्चा करें तो वृत्त की परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, ये एक चतुर्थांश में 90 अंश, दूसरे चतुर्थांश में 90 अंश, तीसरे चतुर्थांश में 90 अंश और चौथे चतुर्थांश में 90 अंश, 90 धन 90 धन 90 धन 90, अर्थात 4 समकोण, अर्थात 360 अंश। इसी बात को लिखेंगे, चूंकि चाहे आप रेडियन में कहें चाहे अंश में कहें, 2π रेडियन, 2π रेडियन ये वृत्ति पद्धति में हुआ और दूसरा षष्ठक पद्धति में 4 समकोण कहेंगे।
इसी चार समकोण को 360 अंश भी कहते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देंगे क्योंकि हम संबंध ज्ञात कर रहे हैं किनके किनके बीच में, रेडियन और अंश के बीच में। इसलिए एक रेडियन बराबर दो से भाग दे दीजिए, एक पाई रेडियन या पाई रेडियन कहें इसको, या टू पाई से पूरा भाग दे दीजिए, एक रेडियन बराबर 4/2π समकोण या 360/2π। इसलिए पाई रेडियन कर दीजिए, पाई से फिर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, पाई रेडियन बराबर पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, पाई कैंसिल हो जाएंगे, 4/2 मतलब दो समकोण, दो समकोण, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 360 का आधा कितने हो जाएंगे, 180 अंश। तो यहां पर पाई रेडियन का अर्थ होता है दो समकोण या 180 अंश। इस प्रकार से हमारा जो तीसरा पद्धति है वो वृत्ति पद्धति में हम किसी कोण को रेडियन के द्वारा माप सकते हैं। अब तीनों पद्धति हमने पढ़ लिया। पहला पद्धति होता है षष्ठक पद्धति जिसमें मात्रक होता है अंश, दूसरा शतक पद्धति जिसमें मात्रक होता है ग्रेड, और तीसरा वृत्ति पद्धति जिसमें मात्रक होता है रेडियन। इन तीनों में संबंध स्थापित कर हम कुछ प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। छात्र छात्राएं संबंध को विशेष रूप से ध्यान देंगे, संबंध के आधार पर आप एक मात्रक को दूसरे मात्रक में या एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बहुत ही सरलतापूर्वक आप परिवर्तन कर सकते हैं। तीनों पद्धति में संबंध तीनों पद्धति का अर्थ तीनों सिस्टम हमने जो बताया है उसी में। मान लेते हैं किसी कोण का माप अंश में डी लिखते हैं, अंश में हम दर्शाते हैं ऐसा डी अंश, ऐसा ग्रेड में ऐसा जी लिख के इस प्रकार से दर्शाते हैं, और रेडियन में ऐसा थीटा लिख के ऊपर ऐसा सी दर्शाते हैं। मान लीजिए आपने इस प्रकार से तीनों किसी कोण को तीनों पद्धति में इस प्रकार से लिख लिया। शुरुआत यहां से करेंगे, चूंकि 90 अंश अभी हमने पढ़ा, 90 अंश बराबर एक समकोण, कौन से पद्धति में, षष्ठक पद्धति में 90 अंश बराबर एक समकोण, एक समकोण हुआ। इसलिए डी अंश बराबर d/90 समकोण होंगे, d/90 समकोण। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। ठीक उसी प्रकार आपने देखा 100 ग्रेड बराबर एक समकोण, सटीक पद्धति में आपने एक समकोण को कितने भागों में बांटा, 100 भागों में बांटा, तो 100 ग्रेड बराबर कितना हुआ, एक समकोण। इसलिए ग्रेड को किसमें दर्शाते हैं, कैपिटल जी के ऊपर जी पावर, इसलिए एक ग्रेड कर लीजिए आप, एक ग्रेड, तो एक ग्रेड में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएंगे, 1/100 के ऊपर जी समकोण, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे कर सकते थे, एक अंश करके फिर डी अंश कर सकते थे, कर लीजिए ज्यादा अच्छा है। एक अंश बराबर 1/90 समकोण, और आपको स्पष्ट हो जाएगा।
इसलिए डी अंश बराबर डी बटे 90 समकोण। इसी प्रकार से इसलिए कितना चाहिए हमको, कैपिटल जी जी ग्रेड बराबर कितने हो जाएंगे, गुणा कर दिए तो जी की पावर ऑफ जी बटे 100 जी समकोण, सब समकोण में चल रहे हैं। और आखिरी पद्धति में हम चर्चा करेंगे रेडियन पर। हमने इसके पहले देखा था पाई रेडियन बराबर दो समकोण, पाई रेडियन बराबर दो समकोण, पाई रेडियन बराबर दो समकोण, इसलिए एक रेडियन बराबर दो बटे पाई समकोण, दो बटे पाई समकोण भाग दे दिए दो बटे पाई समकोण। हमको क्या निकालना है, थीटा सी रेडियन या थीटा रेडियन, सी मतलब रेडियन से दर्शाते हैं, इसलिए थीटा रेडियन बराबर थीटा से गुणा कर दीजिए टू थीटा अपान पाई, टू थीटा अपान पाई समकोण। देखिए बहुत ही, यहां पर आपने डी अंश को दर्शाया, यहां पर जी ग्रेड में दर्शाया, यहां पर थीटा रेडियन में दर्शाया, और सबका इधर मात्रा किस में आ गया, समकोण में आया है। तो तीनों से हम संबंध स्थापित करेंगे, ये समीकरण एक, ये दूसरे नंबर का समीकरण दो और तीसरे नंबर का समीकरण तीन। समीकरण एक दो और तीन में हम संबंध ज्ञात करते हैं, समीकरण एक दो तीन से समीकरण की लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या था, डी बटे एक्स वन 90, डी बटे 90, यह था डी बटे 90। समीकरण का क्या है, जी बटे 100, समीकरण दो का राइट हैंड साइड जी बटे 100, और आखिरी तीसरे समीकरण का कितना है, समीकरण में कितना है, टू थीटा पान पाई, समकोण सब में एक ही मात्रक में टू थीटा पान पाई, उसी कोण को माप रहे हैं, जिस कोण को आपने प्रारंभ किया था उसी कोण में अलग अलग पद्धति में माप है, कोण नहीं बदला है, इसलिए सभी के मात्रक भले बदल जाएं लेकिन कोण का मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, इसलिए उसी कोण को आप लिख रहे हो, जिस कोण को आपने मापना चालू किया था मात्रक में चेंज होंगे लेकिन उसका परिमाण है, कोण का परिमाण नहीं बदलेगा, तो परिमाण को आप लिख रहे हैं टू थीटा अपान पाई। ये रिजल्ट आपने हासिल कर लिया, ये दो है, दो थोड़ा ऑड लग रहा है इसलिए हम दो का भाग कर देते हैं नीचे में, दिया दो का नीचे में गुणा कर देते हैं हंस में, तो ये 180 हो गया और जी बटे 200 हो गया और थीटा अपान पाई हो गया। अब इस सूत्र की सहायता से आप किन्हीं भी दो मात्रकों को आसानी में, किसी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में आसानी से चेंज कर सकते हैं, किसी एक पद्धति के कोण के मान को दूसरे पद्धति के कोण के मान में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि d बटे 180 बराबर g बटे 200 बराबर थीटा बटे पाई, ये किसी एक कोण को विभिन्न पद्धति में चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, देखिए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं हम रेडियन से अंश में जाना चाहते हैं, परिवर्तन रेडियन से अंश में परिवर्तन, विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे अंश में परिवर्तन। अब इन सूत्रों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए रेडियन, ये वाला रेडियन है थीटा वाला, ये वाला ग्रेड है और ये वाला अंश है, तो कौन से इस्तेमाल हो रहा है, ये अंश वाला और
रेडियन वाला, दो बीच को छोड़ देते हैं हम, अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं डी बटे 180 बराबर थीटा बटे पाई दोनों में। अब रेडियन से अंश में, तो कहने का मतलब अंश का मतलब क्या हुआ डी, अंश का मतलब क्या हुआ डी, तो यहां से डी का मान ज्ञात कर लीजिए अंश में, डी बराबर क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे थीटा अप थीटा इंटू 180 बटे पाई, 180 बटे पाई, आसानी से रेडियन का अंश में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से अंश से रेडियन में, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा, उस पर विचार करेंगे, अंश से रेडियन में बदलेंगे। अंश से रेडियन में परिवर्तन, अब अंश से रेडियन में परिवर्तन इसी समीकरण में, क्योंकि ये अंश में है और रेडियन में, तो यहां पर आप थीटा बराबर लिख लेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएंगे डी गुणित, ये ऊपर गुणा हो जाएगा पाई बटे 180, पाई बटे 180। क्या रिजल्ट पर आप देखिए, रेडियन से अंश में जाने के लिए इस राशि पर विचार कीजिए, 180 बटे पाई का गुणा हो गया शॉर्टकट मेथड, और यदि अंश से रेडियन में जाना है तो इसका उल्टा कितना गुणा करना पड़ेगा रेडियन में अंश में, पाई बटे 180 का। देखिए अंश में जाना है तो रेडियन के मान को 180 बटे पाई से गुणा कर दीजिए, और यदि अंश से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए, आपको मान निकल आएगा। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहीं पर इसी खंड में मान लेते हैं कि आपका थीटा बराबर पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 रेडियन है, इसको अंश में बदलना है, तो डी बराबर देखिए इस थीटा के मान को क्या रख देंगे पाई बाय 3, थीटा को क्या रख देंगे पाई बाय 3 गुणित 180 बटे पाई, ये देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया और ये कितने हो गए 60 अंश। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जो कोण 60 अंश था उसका रेडियन में मान पाई बाय 3 और अंश में मान 60 अंश। सिमिलरली इसी प्रकार से यदि वो अंश जो है डी बराबर 60 अंश है तो रेडियन में मान क्या होगा, निश्चित रूप से पाई बाय 3 होगा, वो कैसे होगा देखिए, थीटा बराबर डी के जगह मान रख दीजिए 60 गुणित पाई बाय 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, तो ये मिला पाई बाय 3 रेडियन। तो ये दोनों उदाहरण से आप एकदम स्पष्ट हो गए होंगे, पाई बाय 3 रेडियन का मान 60 अंश और 60 अंश का पाई बाय 3 रेडियन। कल और विचार करेंगे कि रेडियन से ग्रेड में कैसे जाएंगे या अंश से ग्रेड में कैसे जाएंगे, ये बहुत आसानी से इसके माध्यम से आप परिवर्तन करने सीख जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आगे की विषय वस्तु को ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।